53 43 अंकल ये बलगम बंद कीजिए, डिस्टर्ब करता है। ये बड़े गुलाम अली खान की ठुमरी है बेटा, इसे क्लासिकल संगीत कहते हैं। इसमें इतना क्लासिकल होने की क्या बात है, सिर्फ 10 नंबर ही तो ऊपर है। मारिए बिना। 43 53 बंद करो ये तेल मालिश, डिस्टर्ब करता है यार। इसे पॉप म्यूजिक कहते हैं अंकल, इस पे तो डांस करना चाहिए। इसे डांस कहते हो? लगता है तौलिया से पीठ पहुंच रहे हो। देखो अंकल, अगर आप गेम हार गए तो ग्लोब ले चलोगे और ताज में खाना खिलाओगे जरूर। 57 53 और अगर मैं जीत गया तो आरती के डांस पे ले चलोगे क्या अंकल? फिर भाई था हे भगवान, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, नहाने का पानी रख दिया है, ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं रखूंगी। आप लोग हीटर तो बनवाते नहीं है। हीटर नहीं चाची, उसको गीजर कहते हैं, गीजर। अरे गीजर कहो या मीटर कहो, एक ही बात है, तीसरी बार पानी नहीं गर्म करूंगी। चलो बेटा जल्दी नहा। चाची बस 5 मिनट। चलो अंकल जल्दी गेम खत्म करें, आओ। क्या 5 मिनट? 5 मिनट शी मींस बिजनेस दिस टाइम यार। चाची की दोबारा आने तक की लिमिट है। आपने शादी की होती तो उस रामदासी की बातें क्यों सुननी पड़ती? नौकरानी होते हुए घर में ये धौंस है, घर में बीवी होती तो सोचो क्या हाल होता। हाल तो आपका होता, मेरी तो आंटी होती। 61 57 ओ नो। आपका कादू मिलने आया, उनसे कह देना अपनी पेंटिंग्स लेके ऑफिस में मिलना मुझे। कौन है ये? एक आर्टिस्ट है, जरूरतमंद है बेचारा। 9:30 बज गए हैं, 10 बजे दफ्तर पहुंचना है या नहीं आप लोगों को? मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नहाना है तो आके नहा लो। You lost the bet, संभालिए। फिर शुरू हो गए। सुन लो यार, क्लासिकल म्यूजिक है, तुम भी सीख लो। अंकल ऑफिस जा रहे हैं ना? तो इसी में आ जाइए, पांडे गाड़ी ले आएगा। नहीं यार, तुम बहुत तेज चलाते हो, मुझे डर लगता है। तेज और स्पीड में, उस जैसी मर्सिडीज लेकर दीजिए, फिर स्पीड दिखाता हूँ, आइए। देखो अगर 40 से ज्यादा तेज चलाए ना तो यही फियाट रहेगी, मर्सिडीज ला के नहीं दूंगा। आपसे मिलने कोई पेंटर आया और मैंने उसे अंदर बैठा दिया। अंकल अंदर आ जाओ। अंकल जब आप मदद करना ही चाहते हैं उस आर्टिस्ट की तो खरीद ही लीजिए, मेरी राय लेने की क्या जरूरत है? तो आप सही हैं, टू पेंटिंग्स एंड आई वांट टू बाय ओनली वन। अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल स्टिल लाइफ। मुझे तो ये नूर अच्छा लगा। अब बैठ जाइए। शुक्रिया।
इंदर, वो तुम्हारे केले खरीद लिए मैंने। केले? हाँ। सर, इसे कहाँ रखूँ? गाड़ी में रखिए। That bloody still life of yours. अच्छा, मैं सेठ राजाराम की जमीन देखने जा रहा हूँ। अगले महीने तक ग्राउंड प्लान देना होगा उन्हें। और तुम मुझे 6 बजे विद्या हॉल पे मिलोगे। विद्या हॉल? भूलो मत बेटा, शर्त आ रहे हो सुबह सुबह आरती सन्याल का डांस प्रोग्राम है उधर। आर यू सीरियस अबाउट इट? सीरियस इज अ हार्ट अटैक। अंकल, कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? अगर हो भी तो तुम क्या कर लोगे? नहीं, बात यह कि मैंने आरती सन्याल के पोस्टर्स देखे हैं। तो आपसे बहुत छोटी लगती है ना। शरत, पहली दफे रोमांस हुआ तो तुम्हारे बाप ने कहा लड़की बड़ी लग रही है और खुद शादी कर ली, और अब रोमांस होने से पहले ही बेटा वार्निंग दे रहा है कि लड़की छोटी लग रही है। तुम बाप बेटे के सहारे तो कुंवारा रह गया मैं। ओके, सी यू एट 6 o'clock। विद्या हॉल। अपनी ट्रेडिशन के बगैर मॉडर्न होने का कोई मतलब नहीं है राजाराम जी, और आंगन हमारी ट्रेडिशन है। लफ्ज आंगन हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है सोचिए। बेटी ब्याही तो हम कहते हैं बेटी को आंगन के पार उतार दिया, बच्चा हुआ तो कहते हैं आंगन में चराग जला है। हमारे आजकल के आर्किटेक्चर में कहां है वो क्लासिकल आंगन? जो चीज सोच के सुन के अच्छी लगती है वो अगर अपने घर में हो। हेलो, देखिए मैंने आपसे कभी पूछा है बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनाया जाता है, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं उसका इलाज कैसे होगा? इंदर का आराम करना या उससे आराम करवाना आपका काम है, मेरा नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ था? आंगन में। हाँ, तो ये रहा आंगन, यहां से सीढ़ियां खबगा की तरफ जाती हैं। किस तरफ? बेडरूम की तरफ। घबराइए नहीं, किसी गलत जगह लेकर नहीं जाऊंगा मैं आपको, तो आखिर ये आप ही का तो घर है। हाँ, तो चलिए इन सीढ़ियों पर। हेलो, लुक डॉक्टर, अगर तुम नहीं संभाल सकते तो चाची से कहो, वो संभाल लेगी, और अगर वो भी नहीं संभाल सकती तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दो और खुद सूंघ लो, लेकिन मुझे अपनी सीढ़ियां चढ़ने दो। हाँ, तो किस सीढ़ी पे थे हम? ये रही। हाँ, तो ये सीढ़ियां। मांडू में बाज बहादुर का गूंज महल देखा है आपने? बिल्कुल वही स्टाइल होना चाहिए। ख्वाबगाह की तरफ, मतलब बेडरूम की तरफ जाते हुए यू मस्ट फील किंगली। बिल्कुल ऐसे महसूस होना चाहिए जैसे आप अपनी सल्तनत में दाखिल हो रहे हैं। और ये जो क्लासिकल पैटर्न है आपके मकान का। हेलो डॉक्टर, उसे छोड़ दो और ऑफिस में भेज दो। हाँ हाँ, मैं उसे कहीं बाहर भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, वरना यहीं बंबई में उधम मचाता रहेगा। अब कैसा है इंद्रजीत? भगवान का शुक्र है बच गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। मुझे तो डर था उसके दिमाग पे असर ना हो। 1 हफ्ते तक बेहोश जो था, अनकॉन्शियस फॉर 7 days। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वो अमजद का एक्सीडेंट हुआ था, सुना था आपने? जी। This was even worse than that. 5-6 महीने तो हो गए होंगे एक्सीडेंट को। 6 महीने से ऊपर हो गए।
Yes, doctor, what is it now? अरे, गाड़ी क्यों चलाने दी उसे? अच्छा अच्छा, कितनी देर हुई निकले? 10 मिनट, ठीक है। अगर 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया तो समझूंगा कि वैसे का वैसा ही है जैसे एक्सीडेंट से पहले था। पर आप उसे गाड़ी चलाने क्यों देते हैं? कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? You see, I don't want him to have any complex. एक्सीडेंट होना था, अब वो नॉर्मली रहे तो अच्छा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं कविन अंकल। तू तो ज्यादा ही नॉर्मल हो गया यार, 5 मिनट भी नहीं पूरे होने दिए। उस डॉक्टर ने लेटा लेटा कर बोर कर दिया। नमस्ते राजान जी। नमस्ते। डिजाइन देखा आपने? हाँ, अंग्रेजी में तो देखा था, अब उर्दू में महसूस कर रहा हूँ। मैं नकल के हक में नहीं हूँ इंदर, लेकिन किसी भी खूबसूरत चीज को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसी लोकेल है राजा राम जी के घर की, तो खास तौर पर जिस तरह का रहन सहन पसंद है इन्हें, मेरा ख्याल है मांडू सिटी का स्टाइल कहीं कहीं छिड़क दे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो एक गेट है, गेट को मांडू के बुर्जी दरवाजे का स्टाइल लगा दे, और ये सीढ़ियां मांडू ने देखा नहीं अंकल। तो देख क्या हो यार, आपके यहाँ मांडू की कोई किताब तो होगी, वही देख लूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद योर जनरेशन, सारे का सारा पड़ा हुआ है, महसूस किया हुआ कुछ नहीं है। अरे यार, तुम एक दफे मांडू देख के आओ, तुम्हारा पूरा रवैया बदल जाएगा, आई मीन एटीट्यूड। तुम 2 दिन के लिए मांडू जाके आओ, एंड प्रॉमिस यू विल गो इन योर न्यू मर्सिडीज। यू मीन इट? ऑफ कोर्स, इट्स अ प्रॉमिस। वेलकम। आप राइटर हैं? नहीं, किसी और का लिखा हुआ। क्या है ये, नॉवल है? ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। सुनिए, आपकी ये रह गई थी, क्या कहते हैं इसे, गुलछड़ी? गुलछड़ी नहीं, परांदी। थैंक यू अगेन। यू आर वेलकम अगेन।